क्या हो रहा है? इससे मजबूती होती है, काला कलर सेकाई से हो रहा है। क्या ये बांस है? बांस है, देसी बांस। अच्छा, देसी बांस में क्या करते हैं? इसमें तार फेंसिंग होएगा सर, तार से ऐसे डंडे बनेंगे। नहीं, जलाते क्यों है उसको? कच्चापन रहता है तो वो सूख जाता है पूरी तरह से, और कलर भी हो जाता है और सेका हो भी जाता है, सूख जाता है। गर्म करने के बाद क्या करोगे फिर? गर्म करने के बाद फिर वो डबल सीधे होंगे ये बांस। और इसके बाद फिर इसमें तार और फेंसिंग सामान भराएंगे, तार फेंसिंग वो कर रहे हो तो डिजाइन डिजाइन डलेगी। वो क्या कर रहे हैं? ये सीधे कर रहे हैं, वो डबल इनको। ये गरम करके सीधा होता है या वैसे ही सीधा होता है? गरम करके होता है सर, एक बार सीधा हो चुका है, डबल कर रहे हैं गरम। मेहनत बहुत लगती है। मतलब ये डंडा 15 बार आता है यार। अच्छा, तुम कहाँ के लोग? उज्जैन के। उज्जैन कौन से गाँव के? जेतर टेक। उज्जैन में कौन सा गाँव जानते हो बाबू जी? मेतपुर जानते हो? मेतपुर सिटी मेला। कटिया कौंसला जानते हो? कटिया कौंसला के आगे ठीक है। सीधा कर रहे हो उसको? सीधा कर रहे हो क्या? क्या बोलते हैं इसको, बोटिंग? क्या जो बोटिंग होती है ना, मरम्मत होती है बांस की, ये रिपेयरिंग के लिए मतलब। तो जाने बाबू ने पूछा भाई क्या को मोबाइल बारी जमीन ज्यादा समय है, बाकी ये धंधा करना है वो आपका ही।